झारखंड के किसी भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट के बारे में पूरी पूरी जानकारी के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे धनबाद के टॉप 10 कॉलेज कौन है, जहां से अगर आप कोई भी कोर्स करते हैं तो एक तो ये कॉलेज आपको बहुत अच्छा एजुकेशनल इन्वायरमेंट दिलाते हैं तथा दूसरा बहुत ही अच्छा जॉब प्लेसमेंट भी दिलाते हैं। दोस्तों, एक बात मैं आप सभी को बताता चलूं कि धनबाद झारखंड का तीसरा ऐसा शहर है जो एजुकेशनल हब बन चुका है। यहाँ पे सिर्फ झारखंड के ही नहीं बल्कि पूरे भारत से बच्चे आकर स्टडी कर रहे हैं, जिस कारण इस शहर की वैल्यू काफी बढ़ गया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, धनबाद के टॉप 10 कॉलेज के लिस्ट में नंबर 1 पे आता है IIT धनबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। दोस्तों, यह कॉलेज इतना फेमस है कि यह कॉलेज इंजीनियरिंग कोर्स के लिए ना सिर्फ धनबाद का नंबर 1 कॉलेज है बल्कि पूरे झारखंड का नंबर 1 इंजीनियरिंग कॉलेज यही है। इस कॉलेज के पास बहुत अच्छा एजुकेशन सिस्टम उपलब्ध है, इसलिए यहाँ पर ना सिर्फ झारखंड के बच्चे आके पढ़ना पसंद करते हैं बल्कि ओवरऑल इंडिया से बच्चे आके इस कॉलेज में पढ़ना पसंद करते हैं। इस कॉलेज का कैंपस भी दोस्तों वर्ल्ड क्लास का कैंपस है तथा इतना अट्रैक्टिव है कि कहीं के भी बच्चे आके यहाँ पे सेटल हो सकते हैं। इस कॉलेज की स्थापना हुई थी 1926 ईस्वी। इस कॉलेज से आप BTech, MTech, MBA, BTech प्लस MTech, BTech प्लस MBA, MA, MSc, MSc Tech तथा PhD में कोर्स कर सकते हैं। यहाँ पे 95% बच्चों को प्लेसमेंट मिल जाता है तथा यहाँ का हाईएस्ट पैकेज है 56 लाख रुपीज, जबकि एवरेज पैकेज है 16.58 लाख रुपीज। इस कॉलेज के बाद दो नंबर पे आता है BID कॉलेज। इस कॉलेज का पूरा नाम है बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। यह कॉलेज भी एक ग्रेड का कॉलेज है तथा इस कॉलेज का भी कैंपस बड़ा ही भव्य और आकर्षक है, जिस कारण यह कॉलेज झारखंड के बाहर के बच्चों को आकर्षित करता है। इसकी स्थापना होती 1949 ईस्वी में। यह कॉलेज JUT यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है तथा AICTE द्वारा अप्रूव्ड है। इस कॉलेज से आप BTech, MTech तथा PhD में कोर्स कर सकते हैं। दोस्तों, इस कॉलेज का भी प्लेसमेंट रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। यहाँ पे भी लगभग 80% बच्चों को प्लेसमेंट मिल जाता है तथा यहाँ का हाईएस्ट पैकेज है 45.5 लाख रुपीज, जबकि एवरेज पैकेज है 9 लाख रुपीज। इस कॉलेज के बाद तीन नंबर पे आता है KK कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। दोस्तों, यह कॉलेज भी बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है। इसकी स्थापना हुई थी 2010 ईस्वी में। दोस्तों, वैसे तो यह कॉलेज अभी न्यू कॉलेज ही है, लेकिन बड़ी जल्दी से यह कॉलेज अपनी पहचान पूरे झारखंड में बनाता जा रहा है, क्योंकि इस कॉलेज का एजुकेशन सिस्टम और प्लेसमेंट रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। यह कॉलेज JUT यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है तथा AICTE द्वारा अप्रूव्ड है। यहाँ से आप BTech और डिप्लोमा इंजीनियरिंग में कोर्स कर सकते हैं। इस कॉलेज का भी प्लेसमेंट रिकॉर्ड काफी अच्छा है। यहाँ पे 70% बच्चों को प्लेसमेंट मिल जाता है तथा यहाँ का हाईएस्ट पैकेज है 9 लाख रुपीज, जबकि एवरेज पैकेज है 2.5 लाख रुपीज। इस कॉलेज के बाद चार नंबर पे आता है पेमिया ऋषिकेश इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इस कॉलेज की स्थापना हुई थी 2017 ईस्वी में तथा यह कॉलेज भी दोस्तों बेस्ट कॉलेज है तथा इस कॉलेज के पास भी बहुत अच्छा एजुकेशनल इन्वायरमेंट उपलब्ध है। यह कॉलेज JUT यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है तथा AICTE द्वारा अप्रूव्ड है। यहाँ से आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, साथ ही साथ BBA और BCA में भी कोर्स कर सकते हैं। इस कॉलेज में भी लगभग 30% बच्चों को प्लेसमेंट मिल जाता है। इस कॉलेज के बाद पांच नंबर पे आता है PK राय मेमोरियल कॉलेज। दोस्तों, यह कॉलेज काफी फेमस और लोकप्रिय कॉलेज है तथा धनबाद में इस कॉलेज के पास सबसे अधिक स्टूडेंट है। इस कॉलेज की स्थापना हुई थी 1960 ईस्वी में तथा यह कॉलेज NAAC द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है और BMKU यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। यहाँ से आप IA, ISC, ICOM, BA, BSc, BCOM, MA, MSc, MCOM, BCA तथा और भी बहुत सारा कोर्स कर सकते हैं। दोस्तों, इस कॉलेज में भी 25-30% बच्चों को प्लेसमेंट मिल जाता है। इस कॉलेज के बाद छह नंबर पे आता है
BBM KU यूनिवर्सिटी, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी। दोस्तों यह यूनिवर्सिटी बहुत ही जबरदस्त यूनिवर्सिटी है तथा यह यूनिवर्सिटी धनबाद का एकमात्र यूनिवर्सिटी है। इसकी स्थापना हुई थी 2017 ईस्वी। यह यूनिवर्सिटी UGC द्वारा अप्रूव्ड है। यहाँ से आप MA, MSc, MCom तथा PhD में कोर्स कर सकते हैं। दोस्तों इस कॉलेज में बहुत ही जल्द BEd, MEd तथा लॉ में कोर्स आने वाला है। इस कॉलेज के बाद 7 नंबर पे आता है शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज। इस कॉलेज की स्थापना हुई थी 1971 ईस्वी में। यह कॉलेज भी दोस्तों बहुत अच्छा कॉलेज है। दोस्तों अगर आप अपना करियर मेडिकल फील्ड में बनाना चाहते हैं तो यह कॉलेज आपके लिए परफेक्ट रहेगा। यह कॉलेज BBMKU यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है तथा MCI द्वारा अप्रूव्ड है। यहाँ से आप MBBS में कोर्स कर सकते हैं। इस कॉलेज के बाद 8 नंबर पे आता है गुरु नानक कॉलेज। इस कॉलेज की स्थापना हुई थी 1970 ईस्वी में तथा यह कॉलेज भी दोस्तों बहुत अच्छा कॉलेज है तथा इस कॉलेज के पास भी बहुत स्टूडेंट है। यह कॉलेज दोस्तों आर्ट्स और कॉमर्स के बच्चों का पहला पसंद है। यह कॉलेज NAAC द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है तथा BBMKU यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। यहाँ से आप IA, ICOM, BA, BCOM, BBA तथा BCA में कोर्स कर सकते हैं। इस कॉलेज के बाद 9 नंबर पे आता है सिंदरी कॉलेज। इस कॉलेज की स्थापना हुई थी 1963 ईस्वी। दोस्तों यह कॉलेज भी बहुत फेमस और लोकप्रिय कॉलेज है तथा यह कॉलेज भी एक ग्रेड का कॉलेज है। यह कॉलेज NAAC द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है तथा BBMKU यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। यहाँ से आप IA, ISC, ICOM, BA, BSc, BCOM तथा ऑफिस मैनेजमेंट में कोर्स कर सकते हैं। इस कॉलेज के बाद 10 नंबर पे आता है RS मोरे कॉलेज। यह कॉलेज भी दोस्तों बहुत पुराना कॉलेज है तथा इसकी स्थापना हुई थी 1959 ईस्वी में। इस कॉलेज के पास भी बहुत अच्छा एजुकेशनल एनवायरनमेंट उपलब्ध है और यह कॉलेज NAAC द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है तथा BBMKU यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। इस कॉलेज से भी आप IA, ISC, ICOM, BA, BSc, BCOM तथा BBA में कोर्स कर सकते हैं। दोस्तों यह है धनबाद के टॉप 10 कॉलेज जहां से अगर आप कोई भी कोर्स करते हैं तो एक तो ये कॉलेज आपको बहुत ही अच्छा एजुकेशनल एनवायरनमेंट दिलाते हैं तथा दूसरा बहुत ही कमाल का जॉब प्लेसमेंट भी दिलाते हैं। दोस्तों आज का यह वीडियो आप सभी को कैसा लगा हमें जरूर बताएं तथा वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।